एजेड होम में जाने का मौका मिला। इसके पूर्व एजेड होम में जाने का मौका मिला था जहां पर निराश्रित कहे जाने वाले वरिष्ठ जन रहते हैं और उनका खर्चा समाज के द्वारा दिए गए दान से चलता है। इसमें भी रहने वाले वरिष्ठ माता पिता अपने बच्चों की याद में तड़पते रहते हैं और दुआ करते हैं या आस लगाए बैठे रहते हैं कि कब उनके बेटी बेटी उन्हें अपने घर पर ले जाकर रखेंगे और वह बिछड़े हुए बेटे बेटी नाती पोते से मिलकर खुशी जाहिर करेंगे और इस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे। और यह उनकी आशा ज्यादातर निराशा में ही व्यतीत होती रहती है। लेकिन आज हरियाणा के एक जनपद में सेक्टर 40 में स्थित वृद्धा एल्डर होम में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर मेरी बड़ी बहन श्रीमती प्रेम रानी सिंगल, जो स्वयं भी 90 वर्ष को पार कर चुकी हैं, और उनकी एक फ्रेंड वहाँ रहती हैं, एयरफोर्स में एयर कमोडोर की पत्नी हैं, 98 वर्ष की उम्र है। पति की मृत्यु होने के बाद वह वहाँ पर पिछले 2 वर्षों से रहती हैं। हालांकि उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है और जो काफ़ी संपन्न है। उनका अपना भी एक मकान था, लेकिन अकेले रहने से वहाँ क्या करती थे, अब वहाँ पर इस गोगांव में वहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। इनको लगभग 1.5 लाख रुपए की पेंशन मिलती है प्रति माह और इस एल्डर होम में भी उनको इतना ही देना पड़ता है। इस एल्डर होम में 3 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल पर 4 बेडरूम है। उनके मध्य में एक लॉबी, बेसमेंट में एक हॉल है जहाँ पर पार्टीज होती रहती है। इसमें लगभग 70 वरिष्ठ जन रहते हैं। 24 घंटों के लिए एक अटेंडेंट है प्रत्येक कमरे में या प्रत्येक अटेंडेंट के साथ वह रहता है और उसको प्रति अटेंडेंट को 12 घंटे में 22,000 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार की 2 शिफ्ट रहती हैं। भोजन, मेडिसिन आदि की भी सब वहाँ पर सुविधा है। त्योहारों और जन्मदिन पर सामूहिक रूप से मनाते हैं। इसी जन्मदिन के ऊपर जाने का मेरे को मौका मिला। यहाँ पर रहने वाले वरिष्ठ जनों का भी यही हाल है। वो अपने बच्चों की के लिए मिलने के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं। कुछ लोगों के बच्चे साल में 1 बार या 2 बार आकर उनसे मिल जाते हैं, उसको भी वो अपना काफी खुश नसीब समझते हैं। ये भी कैसी अजब जिंदगी है। मृत्यु भी अपने हाथ में नहीं है, उसको भोगना ही पड़ता है और आखिरी सांस तक जिंदा रहना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो जिससे कि बुढ़ापा अच्छी तरह बीत जाए और फिर ईश्वर की स्मृति में रहते हुए अच्छी जगह पर आप रह सकते हैं। इन स्थानों पर देखे हरियाणा में इस तरीके के इसी पिता जो एल्डर होम है, इसी के ओनर ने कई इस प्रकार के एल्डर होम बनाए हैं और भी जगह हैं। ये भी एक तरीके से एक ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। आबादी के साथ साथ जो संपन्न लोग हैं उनको पेंशन की सुविधा मिल रही है और अकेले रहने की दिक्कतों से बचने के लिए इस प्रकार के आश्रमों की जरूरत है, एल्डर होम्स की जरूरत है। यहाँ जाकर खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि कैसी संस्कृति हो गई है, किस तरीके से इस संस्कृति से हमारे को भारत में छुटकारा मिलेगा, अन्यथा इसी प्रकार से तड़पते हुए वरिष्ठ जनों का जीवन व्यतीत होगा। जय श्री राम। के साथ उनकी सबसे छोटी बेटी है, ये करीब 70 वर्ष की है। उसके भी हस्बैंड इंडियन नेवी में थे। ये केक वो बना के लेके आई है। How to bow?